हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तिंवरा भाजी की रेसिपी। कहीं कहीं हम इसे लाखड़ी भाजी भी बोलते हैं। तिंवरा भाजी छत्तीसगढ़ की स्पेशल डिश है जो अभी ठंड के मौसम में ही मिलती है। जैसे पंजाब में सरसों का साग, वैसे ही छत्तीसगढ़ में तिंवरा का साग लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ठंड में ही अवेलेबल होती है तो अच्छी खासी महंगी भी मिलती है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, मिनटों में रेडी हो जाती है और बेहद ही स्वादिष्ट है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव तिंवरा भाजी लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से होती है। इसमें थोड़े थोड़े फूल भी आ चुके हैं। काफ़ी नरम है ये, इसे हमें बारीक कट कर लेना है। इस भाजी को बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक बैगन लिया है। बैगन मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। अगर बैगन अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह गिलकी या तोरई भी ले सकते हैं। इसे भी बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। तिंवरा भाजी में बैगन डालना बहुत ज़रूरी होता है। बैगन के छोटे छोटे टुकड़े कट जाने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगा कर रख देंगे। इससे इसका कसैलापन चला जाता है। अब भाजी कट जाने के बाद हम इसे भी पानी में डुबाकर अच्छे से धो लेंगे। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है तिंवरा भाजी बनाने का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर गांव में इसी तरीके से ही तिंवरा भाजी की रेसिपी बनाई जाती है। अच्छे से धुल जाने के बाद हम एक कुकर में तिंवरा भाजी डाल देंगे और बीच में चने की दाल डाल देंगे। आप इसके जगह अरहर की दाल या तिंवरे की दाल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चने की दाल ले रही हूँ। अब कटे हुए सारे बैगन डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी कितना लाल हो गया है, इसलिए हम बैगन को 10 मिनट के लिए डुबा कर रखते हैं। यहाँ पर मैं 3 टमाटर ली हूँ बारीक कटा हुआ और स्वाद के अनुसार नमक। एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस में धीमे आंच पर रख देंगे। 2 से 3 सीटी हमें इसमें करना है। दो से तीन सीटी में भाजी अच्छे से गल जाएगी। आप देख सकते हैं चने की दाल कितने अच्छे से गल चुकी है। अब तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक पैन में तेल गरम कर ली हूँ और उसमें लहसुन और मिर्च का तड़का लगा लेंगे। लहसुन और मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हमें इसमें भाजी जो हमने उबाल कर रखी है वो डाल देनी है। जो तिंवरा भाजी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत इजी है। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। सारी भाजी डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे जिससे लहसुन और मिर्च का जो एरोमा है वो भाजी में मिक्स हो सके। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन मिर्च की, भाजी की। तीनों बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। दो से तीन मिनट के लिए इसे धीमे आंच पर और पकने देंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे
सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म तिवरा भाजी की रेसिपी रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तिवरा भाजी की रेसिपी बनाना जितना आसान है, ये उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। छत्तीसगढ़ में जब भी भाजी बनती है, उसके साथ तिल से बनी हुई बिजौड़ी और मिर्च तली जाती है। छत्तीसगढ़ी स्पेशल डिश तिवरा भाजी के साथ ये सिंपल सी छत्तीसगढ़ी थाली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही एक्साइटिंग और न्यू वीडियोस लेकर मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।